वेलकम फ्रेंड्स, आचार्यम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हैं एमपी सर्विस के पोर्टल पे और हम यहाँ पे देखेंगे कि एमपीएससीडीसी की तरफ से एक बार पुनः वैकेंसी पब्लिश की गई है, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात हम कहना चाहेंगे कि यदि आपको पूरा विज्ञापन इस पोर्टल में देखना हो तो आप भी एमपीई सर्विस पोर्टल में अपना पंजीयन कर लीजिए। पंजीयन करने के बाद आपको सारी डिटेल्स जो आप चाहेंगे वो देखने को मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं इसके भर्ती एवं रोज़गार वाले सेक्शन में। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं भर्ती और रोज़गार सेक्शन। इसमें आ गया आपका रोज़गार कार्यालय में पंजीयन, युवा इंटर्नशिप योजना और ATS साइबर एनालिसिस वाला। अब लास्ट में है यहाँ पर आप देखें DEGS विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी विभाग। तो इसमें हमको देखना है, इस वाले सेक्शन में नहीं, इसमें देखना है। तो हम यहाँ पे आवेदन करें में क्लिक करेंगे। आवेदन करें में क्लिक करने के बाद जो हमको होम पेज मिल रहा है वो ये है। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश दिया हुआ है कि आपको कैसे करना है। तो सबमिशन करने के पहले आप विज्ञापन पात्रता की शर्तें, ऑनलाइन आवेदन की तिथि, शैक्षणिक तकनीकी अर्हता प्रक्रिया, काउंसलिंग हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची, तिथि, सब विवरण जो रहेंगे इस services.mp.gov.in में उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप इसका विजिट करते रहें, इसको देखते रहें। अब आइए चलते हैं इसके आवेदन प्रारंभ करने की तिथि वाले सेक्शन पे। तो दोस्तों, यहाँ पे आवेदन प्रारंभ की तिथि 22 जून 2023 से 21 जुलाई 2023 तक चलेगी और ये पूरी रहेगी ऑनलाइन। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये पूरी ऑनलाइन चलने वाली है। और यहाँ पे जो पद दिए गए हैं वो यहाँ आप देखिए पदों के विवरण। तो जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक जिला स्तर पर, जिसका मानदेय 35,000 रुपये रखा गया है। वरिष्ठ प्रशिक्षक का है जिला स्तर पर ई दक्ष केंद्र में, इसका भी मानदेय 35,000 रुपये रखा गया है। फिर है प्रशिक्षक, ये भी जिला स्तर पे होगा और ये 30,000 रुपये प्रतिमाह मासिक मानदेय रहेगा। और है सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक जो तहसील स्तर पर होगा, इसका भी मानदेय 30,000 रुपये प्रतिमाह रखा गया है। यदि आपको आवेदन करना है तो यहाँ पे आप देखें उपरोक्त नियम एवं शर्तें मान्य हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब आप आगे बढ़ेंगे तब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। हमको अभी आगे नहीं बढ़ना है, हम इसका और डिटेल देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है DEGS रिक्रूटमेंट का रूल बुक दिया हुआ है, तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं पहले। ये पहले से हमारे पास डाउनलोड की हुई रखी हुई है, हम इसको देखेंगे डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 11 पेज का है, मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड का। इसमें जो लास्ट टाइम जो PDF था, जो रूल बुक थी, वही रूल बुक है ये। कोई इसमें विशेष करेक्शन नहीं किया गया है। तो जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक DGM जो जिला स्तर पर होगा, 35,000 रुपये प्रतिमा यहाँ पर होना चाहिए। न्यूनतम अर्हता BE कंप्यूटर साइंस IT या BTEC कंप्यूटर साइंस IT, MCA, MSc कंप्यूटर साइंस। और यहाँ पे गेट का वैध स्कोर कार्ड कंप्यूटर साइंस अथवा IT का दिया हुआ है, ये पहले भी था और ये अभी भी है। फिर है वरिष्ठ प्रशिक्षक का, तो यहाँ पे 35,000 रुपये प्रतिमा लगभग सेम ही है। इसमें BE BTEC कंप्यूटर साइंस, MCA, MSc कंप्यूटर साइंस IT और साथ में DOEACC बी लेवल प्रमाण पत्र ये होना चाहिए। और गेट में गेट स्कोर कार्ड यहाँ भी कंप्यूटर साइंस अथवा IT से होना चाहिए। फिर है प्रशिक्षक का 30,000 रुपये प्रतिमाह, BE कंप्यूटर साइंस IT, BTEC कंप्यूटर साइंस IT, MCA ये इसमें दिया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे जो रूल बुक दी हुई है ये पुरानी वाली दी हुई है, लेकिन इसके पहले जो हम चार पद चर्चा किए हैं वही आप इसमें से मैच करा के अपना अपने हिसाब से देख लीजिए कि किस पद के लिए कौन सी अर्हता चाहिए और कितना वेतनमान रखा गया है। जैसे इसमें सहायक ई गवर्नेंस विकास खंड स्तर पर 30,000 रुपये प्रतिमाह जो था, और प्रशिक्षक का
तो इसमें भी बीटेक कंप्यूटर साइंस एमसीए और सब में दोस्तों इसमें कंप्यूटर साइंस और आईटी गेट स्कोर कार्ड अनिवार्य किया है, ये चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे जो आपका प्रशिक्षक जिला स्तर पे था है, इसमें भी गेट का वैध स्कोर कार्ड अनिवार्य किया हुआ है। दोस्तों ये पुराना रूल बुक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें कोई चेंजेज नहीं किया गया है। कार्यालय सहायक जो ऊपर हम देखे हैं उसमें नहीं है, अतः ये पोस्ट इसमें नहीं शो करेगी जब आप एप्लीकेशन लिंक में अपना प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। फिर है दोस्तों इधर जॉब प्रोफाइल दिया हुआ है कि क्या करना है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे एज दी हुई है, अधिकतम आयु मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 40, पुरुष के लिए अनारक्षित वर्ग में और जो किसी भी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए 45, 45 साल से ज़्यादा किसी के लिए शायद नहीं रहेगी इसमें। चयन प्रक्रिया के लिए आप देख लीजिए, ऐसी मेरिट लिस्ट बनेगी। ये तो कार्यालय सहायक के लिए है, तो कार्यालय सहायक का अपने को नहीं देखना है क्योंकि कार्यालय सहायक की वैकेंसी इस बार नहीं है। ये रहेगी दोस्तों यहाँ पे, ये गेट में प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो दोस्तों ये MPSEDC की तरफ से भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जो ये PDF है इसको मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन आपको विस्तारी आपको जब आप अपना पंजीयन कर लेंगे उसी से मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जिनको हम डाउनलोड करके नहीं दिखा सकते। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन में, आप सबका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।